नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, इंडिया के फॉर्मर बैट्समैन गौतम गंभीर ने विराट कोहली को लेकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। गौतम गंभीर ने कहा कि विराट कोहली ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 मारा तो सारे लोगों ने विराट कोहली की तारीफ की, लेकिन उसी मैच में भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 5 विकेट लिए लेकिन किसी ने उसका नाम भी नहीं लिया और ये बात काफी अनफॉर्चुनेट है। सिर्फ मैं ही अकेला था कॉमेंट्री में जिसने भुवनेश्वर कुमार की तारीफ की, बाकी पूरी कंट्री सिर्फ विराट कोहली की सेंचुरी की सेलिब्रेशन कर रही थी। इंडिया ने हीरो वर्कशिप वाला एटीट्यूड छोड़ देना चाहिए, चाहे वो इंडिया क्रिकेट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या फिर दिल्ली क्रिकेट हो। हमने स्टॉप करना चाहिए हीरो को वर्शिप करना। हमें अगर वर्शिप करना है तो इंडिया क्रिकेट को करना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल प्लेयर को। गौतम गंभीर ने आगे कहा कि ये इंडिविजुअल प्लेयर की तारीफ करना MS धोनी से आया। जब MS धोनी कैप्टन थे तब सिर्फ MS धोनी का नाम निकलता था, बाकी किसी भी प्लेयर की तारीफ नहीं होती थी और अब लोग सिर्फ विराट कोहली का नाम लेते हैं जैसे बाकी प्लेयर कोई खेल ही नहीं रहा हो। ये सारी चीजें शुरू किसने की? सोशल मीडिया ने, जो प्लेयर्स को जज करती है उनके फॉलोअर्स से, क्योंकि जिसके ज्यादा फॉलोअर्स, मीडिया सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेयर के बारे में दिन भर बोलती रहती है जिसके वजह से वो प्लेयर ब्रांड बन जाता है और बाकी किसी भी प्लेयर के बारे में बात नहीं होती। लेकिन अगर रियलिटी देखे तो टीम की जीत में हर प्लेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, किसी एक प्लेयर के भरोसे कभी भी टीम नहीं जीत सकती। गाइज, गौतम गंभीर के स्टेटमेंट पर आपके क्या व्यूज है कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर टू गाइज, पाकिस्तान के सिलेक्टर वसीम ने इंडिया टीम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। वसीम ने कहा कि पाकिस्तान की इस स्क्वाड में बिगेस्ट पॉजिटिव सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि किस टीम के साथ जीतना वो इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की इसी स्क्वाड ने लास्ट ईयर इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराया था और फिर यही टीम ने एशिया कप के सुपर फोर स्टेज में इंडिया को हराया था, जिसके वजह से इस स्क्वाड का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है। जितने भी प्लेयर स्क्वाड में है सारे प्लेयर वर्ल्ड कप जीतने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वसीम ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान की इसी स्क्वाड ने इसी साल काफी मैचेस जीते हैं, सब प्लेयर ने अपना अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन किया है टीम के लिए, टीम के सारे प्लेयर्स मोटिवेटेड है और होप यही है कि इस बार हम T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। गाइज, वैसे मेरी राय दूं तो इंडिया ने इसी टीम को एशिया कप में हराया था फर्स्ट मैच में। सुपर फोर में जरूर इंडिया हारी थी लेकिन इंडिया का वो फुल स्क्वाड नहीं था। मुझे लगता है जब T20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच होगा तब पता चल ही जाएगा। नंबर थ्री गाइज, अजय जडेजा ने कैप्टन रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। अजय जडेजा ने कहा कि कैप्टन और कोच दोनों में स्टेबिलिटी होनी चाहिए जब आप टीम सिलेक्शन कर रहे हो या फिर टीम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप बार बार प्रोसेस चेंज करते जाओगे तो प्लेयर में कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अजय जडेजा ने आगे कहा कि बार बार एक्सपेरिमेंट करना अवॉइड करना चाहिए जिससे कि टीम एक स्टेबल पोजीशन पर आ जाती है। टीम में इंटरनल कन्वर्सेशन काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप चेंजेस भी कर रहे हो टीम में तो सारे प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि क्यों चेंजेस किए गए हैं। किसी भी प्लेयर के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैप्टन या फिर कोच को लेकर। अगर टीम में सारी बातें क्लियर हो तो टीम को हमेशा सक्सेस मिलती है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।